हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड क्रेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 6 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स आप लोग एक्सरसाइज 6 ऑक्सफोर्ड क्रेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसमें आप लोगों को आज बताया जाएगा एक्सरसाइज 6। इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, साथ ही आपको वोकेबलरी भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इसके स्ट्रक्चर्स, और इसी पर आप लोगों को एक उदाहरण भी मैं देकर सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो, हमने जो है 3 टाइप के स्ट्रक्चर लिया है, कि जिसमें कि सबसे पहला है अफर्मेटिव, दूसरा है WH क्वेश्चंस के बारे में, और तीसरा है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। साथ ही साथ इसमें निगेटिव का भी यूज हमने किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर। तो सबसे पहले वाले को चलिए देखते हैं और इसका कुछ उदाहरण लेकर के हम आप लोगों को दिखाते हैं। पहला वाला है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट, ये नॉट है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जैसे कि कोई उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि अगर हम अफर्मेटिव में लें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यानी कि मैं गायक हूँ, ठीक है, मैं गायक हूँ, ये भी लिख सकते हैं, या आप लोग गायक हैं ये भी लिख सकते हैं, वह गायक है ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से मैं कोई भी लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं गायक हूँ। आप ध्यान से देखिए और समझ जाएंगे तो आप अपने से बना भी सकते हैं, या आप अगर चाहे तो हमारे आगे देखिए वीडियो को और अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। मैं गायक हूँ, ऐसा अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाता है। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल होता है। अगर ये देखिए, इसमें नॉट का यूज नहीं किया गया, यहाँ पर निगेटिव का यूज नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखा दे, नॉट का यूज यहाँ पर हम नहीं करेंगे, सीधा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा मैं हूँ और गायक जो है वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, सॉरी नाउन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट हमारा मैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये गायक जो है ऑब्जेक्ट में आता है जो कि हमारा नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है। तो यहाँ पर देखिए, हम चलिए बनाते हैं, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा मैं है तो इसका हम लिख देंगे, और उसके बाद हमें बोल रहा है कि एम इज आर का उपयोग कीजिए, तो हम एम इज आर का उपयोग करेंगे किसको देख करके, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे एम, ठीक है, एम लिखेंगे। अब देखिए हमारा जो भी नाउन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो नाउन दिया गया कॉमन नाउन, उसे यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को लिख देना है। ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, क्या है, कॉमन नाउन, हाँ कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉमन नाउन है यानी कि गायक है, तो यहाँ पर सिंगर होगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर सिंगर यानी कि एक आदमी के बारे में बोला जा रहा है, मैं यानी कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, यानी कि एक आदमी, मैं कितने हूँ, एक हूँ, तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ सिंगर लिखेंगे, एस नहीं लगाएंगे, ठीक है, एस आई एन जी आर, सिंगर। चलिए हमने देख लिया कि इसमें आप लोग जो है कि सिर्फ आप ये जो है अफर्मेटिव है, इसमें नॉट का यूज हम नहीं किए हैं। अब देखिए हम नॉट का यूज करके दिखाते हैं आप लोगों को। मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैं किसान हूँ, ठीक है, दोनों में मैं का ही हमने जो है यूज किया है। चलिए हमने यहाँ पर लिखा मैं, सॉरी यहाँ पर नहीं का यूज नहीं किया हमने, यहाँ पर लिखेंगे मैं किसान नहीं हूँ। चलिए हमने लिखा मैं किसान नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये निगेटिव का भी यूज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि आई, ठीक है, आई के साथ आप जो सब्जेक्ट हमारा दिया गया, सबसे पहले आप जानते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद एम इज आर का प्रयोग है तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से एम इज आर लगा देंगे। अब उसके बाद देखिए, अगर आप निगेटिव बना रहे हो, अफर्मेटिव में निगेटिव, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव बना रहे हो, तो आपको यहाँ पर नॉट का यूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एम इज आर के बाद आप नॉट का यूज कीजिए।
अब उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिख दीजिए। यहाँ पर भी देख रहे हो कॉमन नाउन दिया गया है, यहाँ पर जो कि किसान है ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा जो है यहाँ पर कॉमन नाउन दिया गया है, ठीक है, इसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट के बाद हमें ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है लिखने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट जो कि है किसान, किसान का हो जाता है फार्मर, FARMER। चलिए आप जो है पहला नंबर का स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ गए होंगे, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ और भी होते हैं, उसे भी लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने जो है इन्हीं चार का यूज करके यहाँ पर इस चैप्टर में बनाया गया है, इसलिए हमने जो है यही चार लिया है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको एम इज आर का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। चलिए एक यानी कि लेते हैं यानी कि सेंटेंस और उसमें देखते हैं किस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं, अगर आपको यहाँ पर है तो हम लिखते हैं वह यानी कि वह क्यों रंज है, वह क्यों रंज है। चलिए यहाँ पर हम आपको लिख करके भी दिखाते हैं, वह क्यों रंज है, ठीक है। चलिए और वाट का चिन्ह लगाया जाता है, अगर आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो भी WH क्वेश्चन में दिए जाते हैं WH सेंटेंस में, वहाँ पर आपको वाट का चिन्ह लास्ट में लगाना पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर चलिए हम इसे बना करके आप लोगों को दिखाते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमने जो है नॉट का प्रयोग नहीं लिया है, निगेटिव नहीं लिया है, ये सिर्फ WH सेंटेंस है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर देखिए ये नॉट जो है यहाँ पर हमें नॉट का यूज नहीं करना है। चलिए हम शुरू में देखते हैं, हमारा जो भी WH वर्ड दिया जाता है इस कोई जो सेंटेंस है हमारा उसमें जो WH वर्ड दिया गया है उसे आपको पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा WH वर्ड ये है, और यहाँ पर हमारा WH वर्ड जो है यहाँ पर है क्यों, क्यों कहा जाता है वाई, सीधा हम लिखेंगे वाई। चलिए हमने ये लिख दिया, अब इसके बाद हमें बोला जा रहा है कि एम इज आर का प्रयोग कीजिए, तो वाई के बाद हम एम इज आर का प्रयोग करेंगे। अब ये वाई के बाद तो हम एम इज आर का प्रयोग करेंगे, लेकिन एम का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे, इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप सोच रहे हो अभी तो हमने जो है यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखा है जिसके हिसाब से हम लगाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपको जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है, शुरू में, तो यहाँ पर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर वह है यानी कि ही के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम इज का प्रयोग कर देंगे, क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए प्लस, सॉरी यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना था, प्लीज सॉरी, यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, फ्रेश कर देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सॉरी, यहाँ पर हमने मिस कर दिया था, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह, यहाँ पर लिख देंगे ही। अब जो भी ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है, देखिए नोट के बाद ऑब्जेक्ट है, नोट का यूज तो यहाँ पर करना ही नहीं है, अब हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट में हमारा है रंज यानी कि एंग्री, यहाँ पर लिख देंगे एंग्री, ANGRY एंग्री, वाट का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। अब हमारा देखिए कि जो भी यहाँ पर WH सेंटेंस है वो इस तरह से रेडी हो चुका है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि WH सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, वो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लेंगे वह क्यों तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। चलिए हमने ये ले लिया, और देखिए आप पूरी समझ लीजिए और आप अच्छे से बना पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमें क्या लेना है, जो भी WH वर्ड है उसे लेना है, चलिए हम वो लेते हैं Y। अब हमें बोला जा रहा है कि एम इज आर, तो यहाँ पर हम देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से ले लेंगे, यहाँ पर होगा इज। अब है हमारा सब्जेक्ट बोला जा रहा है यहाँ पर लेने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट में क्या है हमारा ही, क्या है ही, अब ये लिखा हमने। अब आगे देखिए हमारा बोल रहा है कि नॉट, अगर आप पर निगेटिव सेंटेंस है तो आप नॉट का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने जो है नॉट का यूज करना है, यहाँ पर लिखेंगे नॉट। अब उसके बाद बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा है तैयार, ठीक है, तैयार जो कि है एक एडजेक्टिव,
ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, रेडी लिखना है आपको, आर ई ए डी वाई, रेडी, और व्हाट का चिन्ह क्वेश्चन मार्क दे देना है। तो अभी आप इस तरह समझ चुके हैं कि आप अब कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आ जाए जिसमें कि इस तरह का यूज किया गया हो, कोई भी डब्ल्यू एस सेंटेंस आ जाए इस तरह का यूज किया गया हो, तो आप आसानी से बना पाओगे। हमने जो है, हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, आगे है हमारा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे हमें पहले बताना चाहिए था लेकिन मिस से बाद में लिखा गया, ठीक है, इसके लिए सॉरी, लेकिन बट समझना ही है तो पहले समझे या बाद में एक ही बात पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम इसे समझते हैं। यहाँ पर दिया गया कि एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लेंगे जो भी यहाँ पर है हमारा एम इज आर लिया गया, तो पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं उसे बाद में बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या वह तैयार है, या क्या वह किसान है, कुछ भी ले लीजिए, और व्हाट का चिन्ह तो लगाना ही होगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर है वह, क्या वह तैयार है, यहाँ पर हम इसे बनाएंगे किस तरह। देखिए एम इज आर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हमारा जो भी सब्जेक्ट दिया गया है उसके हिसाब से एम इज आर का प्रयोग करेंगे। वह है तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे। अब जो भी हमारा यानी कि सब्जेक्ट दिया गया है उसे लिखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद हमारा है नॉट। नॉट का तो इसमें यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं दिया गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा जो कि एडजेक्टिव दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे रेडी, आर ई ए डी वाई, और जो भी प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। तो देखिए हमारा ये भी बन के रेडी हो चुका। अब हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हम देखिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे क्या वह किसान नहीं है, नहीं है। चलिए हमने लिया क्या वह किसान नहीं है, तो यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे वो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी हमें उसी तरह से बनाना है, तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से बनाना। में देखिए एम इज आर का प्रयोग पहले बोला जा रहा है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर इज का ही प्रयोग होगा। साथ ही अब देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, ठीक है, वह है, तो इसका इंग्लिश ही होता है। तो आप उसके बाद हमें जो स्ट्रक्चर बोल रहा है, नॉट का यूज कीजिए, तो यहाँ पर हमें नॉट तो नहीं का यूज किया है, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे क्योंकि यह निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमने नॉट का यूज किया। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए, जो भी हमारा है यहाँ पर कॉमन नाउन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसान का होता है फार्मर, लिख देना एफ ए आर एम ई आर, ठीक है। चलिए हमने ये लिख दिया, सॉरी यहाँ पर वर्ड का चिन्ह देना था। चलिए अब जो है आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यू एच सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस, या खाली ही सिर्फ डब्ल्यू एच क्वेश्चन सॉरी सेंटेंस, इस तरह के अगर आपके पास सेंटेंस आ जाते हैं तो आप आसानी से बना पाओगे। अब चलिए अपने एक्सरसाइज को देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो है अब आपके लिए लेकर के आ गया है कि एक्सरसाइज 6। चलिए बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है हमारा एक्सरसाइज 6 में, सबसे पहला है बच्चे क्यों भूखे हैं, बच्चे क्यों भूखे हैं। वेरी सिंपल है और आप हमारे साथ बना पाओगे, हमें उम्मीद है। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है बच्चे क्यों भूखे हैं, तो यहाँ पर हम चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर हमें डब्ल्यू एच वर्ड को रखना है, लिखेंगे वाई। चलिए हमने लिख दिया वाई, ध्यान से देखिएगा और ये मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान से जब भी हम लिखते हैं तो आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे क्यों भूखे हैं, सबसे पहले तो आपको जो भी यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है उसे लिखेंगे, और आप समझ ही चुके होंगे तो हम जल्दी जल्दी थोड़े बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब उसके बाद देखिए हमारा जो है एम इज आर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर देखिए बच्चे है, यहाँ पर एक प्लुरल है, ठीक है, क्या है, बच्चा नहीं है, सो हम यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे हैं, तो यहाँ पर हम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का, यहाँ पर लिखना है आर, हमने लिखा
कि व्हाई आर, अब है हमारा बच्चे, चिल्ड्रेन लिख दे रहा है, चिल्ड्रेन होता है सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन। अब इतना लिखने के बाद आप जानते हो अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो आप नॉट का यूज कीजिए, अगर नेगेटिव नहीं है तो सिर्फ आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा है भूखा, यहाँ पर लिखेंगे हंगरी, एच यू एन जी आर वाई, जी आर वाई, और वाट का चिन्ह देना है, जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे हमारा, आप मूर्ख और घमंडी हैं, आप मूर्ख और घमंडी हैं, ठीक है। इसे किस तरह से बनाएंगे, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे बहुत ही सिंपली तरीके से बना पाएंगे आप। यहाँ पर लिखना यू, अब यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, लिखना यू आर, अब उसके बाद है घमंडी और सॉरी मूर्ख और घमंडी है, ठीक है। मूर्ख का हो जाता है फुलिस, यहाँ पर लिख देंगे एफ डब्लो एल आई एस एच, फुलिस एंड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि घमंडी का हो जाता है प्राउड, यहाँ पर लिखना है पी आर ओ यू डी, प्राउड, ठीक है। और इसमें फुल स्टॉप देना है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे है वह, क्या वह तैयार नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसे किस तरह से बनाते हैं चलिए देखते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है निगेटिव का भी यूज यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसे सबसे पहले एमिजार का यूज करेंगे, सब्जेक्ट को देख करके, देखिए सब्जेक्ट हमारा है वह, तो यह वह के हिसाब से हम यहाँ पर इज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग कर सकते हैं, इज का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज, चलिए इज लिखा हमने। अब देखिए अब हमारा इज के बाद बोला जाता है कि सब्जेक्ट लिखिए अपना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इज ही, ठीक है। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि नॉट का यूज कीजिए, ठीक है। आप सब्जेक्ट के बाद किसका यूज कीजिए, नॉट का, चलिए हम नॉट का यूज कर दिए क्योंकि यहाँ पर निगेटिव भी है। अब है बोलता है आपका स्ट्रक्चर कि आप उसके बाद आप जो है ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए, ऑब्जेक्ट हमारा है रेडी जो कि एक एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आर ई ए डी वाई, रेडी, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है। चलिए हमारा जो है ये भी बन चुका, ठीक है, सॉरी ये नॉट है और इसे बड़ा करना चाहता था, ये एन है एन ओ टी। अब उसके बाद है वे लोग क्यों उदास हैं, वे लोग क्यों उदास हैं, ये भी आपको जो है डब्ल्यू एच सेंटेंस है, यहाँ पर लिखना वाई क्योंकि यहाँ पर देखिए क्यों का यूज किया गया है, लिखना वाई वाई, और वे लोग हैं तो यहाँ पर आर का प्रयोग करना होगा, लिखना है वाई आर दे, जो भी आपका सब्जेक्ट है वे लोग का दे होता है। अब उसके बाद देखिए आपको ऑब्जेक्ट का लिखना है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमारा सेट, यहाँ पर लिखना है वाई आर दे सेट, एस ए डी सेट, चलिए, और प्रश्नवाचक चिन्ह दे देना है। अब उसके बाद है मेरा दोस्त दोषी नहीं है, मेरा दोस्त दोषी नहीं है, ये अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर लिखना है माई फ्रेंड। अब देखिए हमारा एक दोस्त है, यहाँ पर हम लिखेंगे इज, अब इसके बाद लिखना है माई फ्रेंड इज। अब इसके बाद तो आप जानते हैं कि नॉट का यूज करना होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए ये निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है इज नॉट, गलती, जी यू आई एल टी वाई, गलती। चलिए हमारा एक पांचवा भी बन चुका है, अब है छठवीं में वे लोग शिक्षित नहीं हैं, यहाँ पर भी सेम है अफर्मेटिव प्लस निगेटिव, यहाँ पर बनाना आपको दे क्योंकि यहाँ पर दे, आप जानते हैं कि वे लोग का क्या होता है दे, ठीक है, वे लोग, यहाँ पर दे आर, उसके बाद आप जानते हैं कि नॉट नेगेटिव है तो यहाँ पर हम नॉट का यूज करेंगे, लिखेंगे दे आर नॉट, यानी कि शिक्षित का हो जाता है आपको एजुकेटेड, यहाँ पर लिखना एजुकेटेड, ई डी यू सी ए टी ई डी, एजुकेटेड, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है क्या आप पागल हैं, ठीक है, क्या आप पागल हैं, यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बनाना है कि ये आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले एम इज आर का प्रयोग करना है, तो आपके साथ आप जानते हो कि आर का यूज करते हैं, यहाँ पर लिख देना आर, ठीक है, आर, अब जो भी सब्जेक्ट दिया गया है आर यू आपका होता है यू, आर यू, अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसे लिख दीजिए मैड, मैड मीन्स पागल, और वाट का चिन्ह दे दीजिए। अब आगे वह कैसे बेईमान नहीं है, वह कैसे बेईमान नहीं है, ये
आपको दिया गया है डब्ल्यू एच सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डब्ल्यू एच प्लस निगेटिव सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर। चलिए बनाते हैं, देखिए यहाँ पर जो भी दिया गया है, यहाँ पर ये देखिए डब्ल्यू एच वर्ड उसे लिखते हैं, हाउ मीन्स कैसे, यहाँ पर लिखना है हाउ। अब इसके साथ जो भी देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वह, यहाँ पर लिखाएंगे इज, ध्यान से देखिएगा हाउ इज, ठीक है, हाउ इज जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसे लिखना है हाउ इज ही। अब ये निगेटिव है तो इसके बाद आपको नॉट का यूज करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट, व्हाई इज ही नॉट, ठीक है। अब जो भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया गया है वो चलिए लिखते हैं, बेईमान, बेईमान का होता है डिजोनेस्ट, यहाँ पर लिखना डी आई एस एच ओ एन ई एस टी, डिजोनेस्ट, ठीक है, व्हाट का चिन्ह लगा देना। चलिए हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे है तुम लोग क्यों थके हो, तुम लोग क्यों थके हो, यहाँ देखिए क्यों का हो जाता है वाई वाई। अब जो भी हम आपका जो यानी कि सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाएंगे, तो तुम लोग है यानी कि प्लुरल में आ जाता है, यहाँ पर लगेंगे आर। अब तुम लोग का हो जाता है यू, लिखना यू। अब इसके बाद देखिए कि कोई भी यानी कि निगेटिव का यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट आपको लिख देना है, तो चलिए हम लिखता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए थका का होता है टायर्ड, यहाँ पर लिखना टी आई आर ई डी, टायर्ड, ठीक है, वाट का चिन्ह दे दीजिए। आगे चलिए देखते हैं आगे है वह कैसे सुंदर नहीं है, वह कैसे सुंदर नहीं है, चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, वह कैसे सुंदर नहीं है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं कि यहाँ पर देखिए कैसे का हो जाता है हाउ। अब उसके साथ देखिए वह है यानी लड़की के बारे में, लड़की के बारे में सुंदर कहा जाता है, यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे इज। अब देखिए वह का हो जाता है यहाँ पर सी, अगर लड़की के लिए यूज किया जा रहा है। अब उसके बाद आप जानते हैं कि जो भी अब सब्जेक्ट के बाद आपको निगेटिव है तो नॉट का यूज करना होगा। चलिए नॉट का यूज करने के बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया यानी कि ऑब्जेक्ट दिया गया है उसे चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर है सुंदर, लिखना ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल, वाट का चिन्ह दे दीजिए। चलिए ये भी बनके रेडी हो चुका है। आगे है आप अशिक्षित हैं, आप अशिक्षित हैं, यहाँ पर हम चलिए बनाते हैं, यहाँ पर बनाएंगे यू, ये सिंपल है यानी कि अफर्मेटिव, लिखना यू आर अशिक्षित, क्या है अशिक्षित, अनएजुकेटेड, यहाँ पर लिखना है यू एन ई डी यू सी ई डी यू सी ए टी ई जी, अनएजुकेटेड, देखिए सिंपल था। आगे है थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने जो यहाँ पर खाँचा छोड़ दिया, ठीक है, क्या तुम्हारा भाई मेहनती नहीं है, यहाँ पर हम किस तरह से बनाएंगे, हाँ तुम्हारा भाई यानी कि तुम्हारा जो जिस भाई के बारे में बोला जा रहा है कि एक भाई के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, इज योर ब्रदर, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव भी इसी में, ठीक है, लिखना है इज योर ब्रदर। अब इसके बाद आप जानते हैं कि जो भी सब्जेक्ट लिखते हो उसके बाद आपको नॉट का यूज करना ही होगा, तो यहाँ लिखते हैं इज योर ब्रदर नॉट, मेहनती का हो जाता है लेबोरियस, लिखना एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, लेबोरियस, व्हाट का चिन्ह। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया गया है वे लोग विनर्म क्यों नहीं है, वे लोग विनर्म क्यों नहीं है, यहाँ पर हम चलिए बनाते हैं, यहाँ पर क्यों का हो जाता है वाई, लिखना वाई। अब उसके बाद देखिए वे लोग का, वे लोग दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर का यूज करेंगे आर, और वे लोग का हो जाता है दे, उसके बाद निगेटिव भी है तो यहाँ आप लिखेंगे नॉट, ठीक है, विनर्म का हो जाता है हम्बली, ठीक है, क्या होता है हम्बली, यहाँ आप लिखेंगे एच यू एम बी एल ई, वाट का चिन्ह दे दीजिए, सॉरी वहाँ पर जगह नहीं था, यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हमने जो है नीचे लिख दिया, ठीक है, आप ध्यान से देखिए एच यू एम बी एल ई और वाट का चिन्ह दे दें, ठीक है, सुनिए अच्छे से एच यू एम बी एल ई वाट का चिन्ह, ठीक है, गलत ना हो जाए अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। आगे है आप क्यों उदास हैं, ठीक है, आप क्यों उदास हैं, चलिए इसे बनाते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे क्यों का हो जाता है वाई, लिखना वाई। अब इसके साथ आप है तो यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे, वाई आर यू, ठीक है, सैड, ठीक है, सैड। आगे है
मोहन एक नेता नहीं है, ठीक है, मोहन एक नेता नहीं है। तो यहाँ पर भी देखिए एक सिंपल है और यहाँ पर नेगेटिव का यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मोहन नेम है, तो यहाँ पर लिखना है इज का प्रयोग, नेम के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। लिखना है मोहन इज अ, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो इज अ नॉट लीडर, एल ई ए डी ई आर, ठीक है, लीडर। चलिए आप देखिए अच्छे से, मोहन इज अ नॉट लीडर, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोग देखिए कि ये जो ए है यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, कहाँ पर लिखना है, यहाँ पर, ठीक है। तो हम चलिए इसे एक बार दिखाते हैं आप लोगों को, ये जो ए है लिखना है मोहन इज नॉट अ लीडर, ठीक है। तो ये जो है ये अलग है, हम आप लोगों को लिख करके दिखा देते हैं यहाँ पर ए। चलिए अब सीधा दिखाई पड़ेगा, मोहन इज नॉट अ लीडर, मोहन इज नॉट अ लीडर, समझ गए। आगे है वे एक शिक्षक है, यहाँ पर देखिए एक आदमी के बारे में कहा जा रहा है एक, ठीक है, तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है, एक सिंगल आदमी के बारे में कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फ ही का प्रयोग कर सकते हैं। लिखना है ही इज ए टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, टीचर, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, आगे है क्या हम लोग किसान नहीं हैं, ठीक है, क्या हम लोग किसान नहीं हैं। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं, आगे आपको लिखना है कि एम इज आर का प्रयोग करना है तो आर ही होगा, लिखेंगे आर वी नॉट फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, ठीक है, एफ ए आर एम ई आर एस, ठीक है, यानी कि फार्मर्स, आर वी नॉट फार्मर्स, वेरी सिंपल था। तो यहाँ पर देखिए वाट का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि आर वी नॉट फार्मर्स, यानी कि क्या हम लोग किसान नहीं हैं, हम लोग, इसलिए हम यहाँ पर एस का यूज किए हैं। आगे चलिए देखते हैं, आगे 18वीं नंबर में कि आप कैसे एक कलाकार हैं, आप कैसे एक कलाकार हैं, यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है हाउ हाउ आर यू, हाउ आर यू एन आर्टिस्ट, ए आर टी आई एस टी, आर्टिस्ट, और वाट का चिन्ह दे देना है, ठीक है, समझ लीजिए। यहाँ पर एन का यूज इसलिए कि यहाँ पर देखिए भौवेल है, ठीक है, हाउ आर यू एन आर्टिस्ट। आगे है आप लोग कैसे चोर नहीं हैं, तो कैसे का हाउ हो जाता है, लिखेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, अब यहाँ पर देखिए नॉट का यूज करना है, लिखना नॉट थीव्स, ठीक है, टी एच आई वी ई एस, थीव्स, समझ गए आप, यहाँ पर लिखना है थीव्स, यहाँ पर वाट का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। आप थोड़ा हम पीछे करते हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लिखना टी एच आई वी ई एस, थीप का इंग्लिश यानी कि जो भी पुलल होता है वो होता है थीप्स, इसलिए हम यहाँ पर थीप्स लिखे, ठीक है, और लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि वाट का चिन्ह दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर आपको लिख करके दिखा देते हैं, टी एच आई वी ई एस, थीप्स, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, गलत मत बनाइएगा, ठीक है। आगे 20 नंबर में यानी कि 20 नंबर में, क्या तुम्हारे भाई लोग नाविक हैं, क्या तुम्हारे भाई लोग नाविक हैं, तो चलिए हम इसे बनाते हैं, किस तरह से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर है इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पर हम बनाते हैं तुम्हारे भाई लोग, तो भाई लोग है यहाँ पर प्लुरल है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर योर, वाई ओ यू आर योर ब्रदर्स, ब्रदर्स, यहाँ पर लिखेंगे बी आर ओ टी एच ई आर एस, ब्रदर्स, ठीक है, आर योर ब्रदर्स, ठीक है, आर योर ब्रदर्स सेलर्स, ठीक है, सेलर्स, यहाँ पर लिखना एस ए आई एल ओ आर एस, सेलर्स, वाट का चिन्ह दे दीजिए, बन के रेडी हो चुका है। आगे चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। आगे फ्रेंड्स देखिए क्या है, क्या मेरे पिताजी गायक नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर भी देखिए इज का प्रयोग करना होगा क्योंकि मेरे पिताजी एक ही है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इज माई फादर, इज माई फादर एफ ए टी एच ई आर, इज माई फादर नॉट सिंगर एस आई एन जी ई आर, सिंगर,
चलिए, इज माई फादर नॉट सिंगर, ठीक है। आगे है, क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, क्या हम लोग खिलाड़ी हैं, तो इसे किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले आपको एम इज आर का प्रयोग करना होगा क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है, यहाँ पर बनाना है आर वी प्लेयर्स, पी एल ए वाई ई आर एस प्लेयर्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लुरल में है, हम लोग ढेर सारे लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ पर प्लेयर्स का यूज किया। आगे चलते आगे देखिए कि आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव, सॉरी ये अफर्मेटिव है, यहाँ पर बनाना है यू आर गुड स्टूडेंट्स, एस टी यू डी ई एन टी एस। कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, गुड्स लगा देते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आपको जो भी एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव में एस या ई एस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे हैं मेरे पड़ोसी लोग हाकिम हैं, मेरे पड़ोसी लोग हाकिम हैं, यहाँ पर लिखना माय, ठीक है, माय नाइच प्योर, ठीक है, माय एन ई आई जी एच बी ओ यू आर माई नाइच ब्योर्स, ठीक है, नाइच ब्योर्स, माई नाइच ब्योर्स, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है आर का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पर हमारे पड़ोसी लोग हैं, ठीक है। आर ऑफिसर, हाकिम का क्या होता है ऑफिसर, ओ डब्ल एफ आई सी ई आर एस, ऑफिसर्स होगा क्योंकि ढेर सारे हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत ही बहुत ही बहुत ही नॉलेजफुल हुआ होगा आपके लिए। और जो भी आप जिसे भी आप बताना चाहते हैं कि देखिए इस तरह से पढ़िए, और आप उसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों को दिखा सकते हो अगर आप सबसे छोटे हैं और वो ट्रांसलेशन में या कोई भी इंग्लिश में कमज़ोर हैं, स्पोकन में कमज़ोर हैं, तो आप उसे दिखा सकते हो। तो इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, साथ ही बगल में जो घंटे का आइकॉन आता है उसे प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।